आप अंदर का ध्यान रखना। सेक्टर में जो है उसको प्रमोट करना है, उसकी तरफ जाना है और बच्चे अपना जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करें और वो एंटरप्रेन्योर बने। हमारी बहुत सारी स्कीमें हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें हैं, उनमें जाएं, जहाँ जो दूसरी कंपनीज हैं उनके थ्रू लिया है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो उनका रोज़गार जो है वो चलना चाहिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। ये जो इस बार हम ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी का शुरुआत की है, ये हमारे भारतीय कमिश्नर हेल्थ और हमारे डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज और हमारे भारतीय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, सीएमओ साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब के उनके डायरेक्शन, उनके काइंड कोऑपरेशन से हो रहा है। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट की यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है, बट उन्होंने फिर भी मैनेज किया, वहाँ से एनेस्थेटिस्ट भेजा, तो अब हम आपके सामने हैं कि अभी हमने इनॉग्रेशन किया और आज हमारे यहाँ चार सर्जरीज रखी है हमने, उसमें तीन हमारी जनरल सर्जरीज है और एक सिजेरियन है। ये काफ़ी तकरीबन मेरे ख्याल में 10-12 साल की बात ये शुरू हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में ये फंक्शन हम करने जा रहे हैं, तो हायर अथॉरिटीज़ की कोऑपरेशन से, स्पेशली डीसी साहब, सीएमओ साहब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब की कोऑपरेशन से ये काम हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें शुरू में हमें कुछ आएगी, थोड़ा सा काम करके प्रॉब्लम आएगी और हमें उम्मीद है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ लोगों को कन्वीनियंटली यहाँ से सर्जरी करा के घर भेजेंगे, बजाय इसके कि हम यहाँ से इनको रेफर करें और हायर सेंटर्स पे जाके रजौरी या जम्मू जाके सर्जरीज करें, वो हम कोशिश करेंगे वो ना हो, मैक्सिमम सर्जरीज हम यहाँ ही कराएंगे। तो मुख्तसर ये कहूँगा कि हायर अथॉरिटी की डायरेक्शन, कोऑपरेशन, उनकी सुपरविजन, उनकी कोऑर्डिनेशन से ये काम हो रहा है और हम लोकल जो PRI सरपंचेज, सीनियर सिटीजन, मीडियाकर्मी, इनका भी हमें सहयोग चाहिए कि हमारे वक्तन फक्तन को ऑपरेट करें इसमें, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने लेवल पे हम बेटर और बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जो हमारी सर्जिकल साइड यहाँ बंद पड़ी हुई थी वो हमने आज शुरू कर लिया और कंटिन्यू करेंगे गार्ड भी लिखा। मैंने डिफरेंट एरियाज में तकरीबन मैंने काफ़ी अपने ब्लॉक के जो फायर फ्लंग एरियाज थे, जहाँ सब सेंटर, NTPSC, PSC, वहाँ स्टाफ और भी बहुत सी चीज़ें थी जहाँ जाके मैंने इंस्ट्रक्शन दी। एक तो उनको पंक्चुअलिटी, ड्रेस कोड और पेशेंट केयर के लिए बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की है और डिफरेंट स्टाफ मेम्बर्स को हमने इंस्ट्रक्शन दी है, जो भी हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर सीकर आए उसको पोलाइटली ग्रीट किया जाए, वेलकम किया जाए, उनको सर्विसेज दी जाए। तो और साथ साथ ये है कि पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना और 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमने ये भी कहा है कि जो भी स्टाफ जहाँ भी वो पोस्टेड है, कोशिश करें कि उसी एरिया में स्टेशन रहे, कहीं भी हमारा बॉर्डर एरिया है और इस तरह भी ये वल्नरेबल है बहुत सी चीज़ों से, ताकि उनको लोगों को कोई भी किसी भी मौके पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो सर्विस प्रोवाइड करें। ये कोशिश रहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेटर दें, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है उनको हम प्रॉपर एस्टेब्लिश करें, जो हमारी आयुष्मान भारत की सर्विसेज हैं, प्राइमरी, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, अब वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम वो सारी प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे हमारे जितने भी पेरिफेरल सब सेंटर हैं
वो वेलनेस सेंटर बन जाए, उसमें योगा और अपना प्रिवेंटिव जो भी मजे से वो भी होंगे, प्रोमोटिव होंगे, और अपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जैसे हमारा प्रोग्राम एल सी डी स्क्रीनिंग चल रहा है वो हमारा अच्छा चल रहा है और हम उसको कोशिश करेंगे बेटर करने की और 100% टारगेट जो है अचीव करने की कोशिश करेंगे और गाइड मिलेगा, आई एम श्योर कि हम ये कर लेंगे।